नासिक मेट्रो नियो महाराष्ट्र सरकार ने नासिक शहर के लिए एक कुशल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS को महा मेट्रो को लागू करने का काम सौंपा है। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा तैयार की गई थी और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इसे भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट में इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 32 किलोमीटर मुख्य मार्ग और 24 किलोमीटर फीडर मार्गों की पहचान की गई है। मेट्रो नियो नैसर्गिक महानगरों के साथ यानी आराम, सुविधा, लागत प्रभावी, समयनिष्ठ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल नैसर्गिक संपर्क और यात्रा के अनुभव के साथ मेट्रो नियो के नागरिकों और आगंतुकों को प्रदान करेगा। नासिक हाल ही में महाराष्ट्र में प्रमुख ढांचागत विकास का केंद्र रहा है। मेट्रो नियो सिस्टम पारंपरिक मेट्रो ट्रेनों की तुलना में हल्का और छोटा विकल्प है। यह रबर के टायरों पर चल रहा होगा जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों के माध्यम से संचालित होते हैं। चूंकि कोच हल्के होते हैं, उनमें से प्रत्येक में कम से कम 200 से 300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त कोच पारंपरिक महानगरों के समान एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलेंगे, हालांकि उसी के लिए पूंजीगत व्यय पारंपरिक मेट्रो परियोजनाओं का फौ होगा। यहां तक परिचालन लागत कम होने की भविष्यवाणी की जाती है, इसलिए यह टियर टू शहरों और आसपास के उपनगरों के लिए एक किफायती विकल्प बना रही है जो वर्तमान में प्रभावशाली अवसंरचनात्मक विकास का सामना कर रहे हैं। केंद्र की मंजूरी पर यह परियोजना नासिक और अन्य छोटे शहरों के लिए शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रारंभ में दो एलिवेटेड कॉरिडोर को गंगापुर से मुंबई नाका तक 10 किलोमीटर और गंगापुर जलापुर गणपत नगर काले नगर जिहान सकिल थाटे नगर शिवाजी नगर पंचवटी CBS मुंबई नाका की लंबाई वाले एक बड़े कॉरिडोर की योजना बनाई गई है और गंगापुर से नासिक रोड 22 किलोमीटर और 23 स्टेशन के बीच अर्थात DHRUV नगर श्रमिक नगर महेंद्रा शनेश्वर नगर त्रयंबक रोड सतपुर कॉलोनी MIDC एब सर्कल पारिजात नगर मीको सर्कल CBS शारदा सर्कल द्वारका सर्कल गायत्री नगर अंबेडकर नगर उपनगर नेहरू नगर दत्त मंदिर नासिक रोड CBS और गंगापुर दोनों कॉरिडोर के लिए आम इंटरचेंज स्टेशन होंगे। ओवरहेड 600 से 750 VDC बिजली की आपूर्ति 180 से 240 यात्रियों की क्षमता वाले द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक कोच इन मार्गों पर प्लाई करेंगे। निर्बाध यात्रा और व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए दो फीडर कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। फीडर कॉरिडोर सतपुर कॉलोनी से गरवारे के माध्यम से मुंबई नाका के लिए और नासिक रोड से नंदूर नाका के माध्यम से मौजूदा सड़क नेटवर्क पर शिवाजी नगर तक चलेगा। AC इलेक्ट्रिक कोच 60 से 70 यात्रियों की वहन क्षमता के साथ 12 और 13 मीटर लंबा होगा। ये कोच मेन कॉरिडोर पर भी चलेंगे और ओवरहेड ट्रैक्शन द्वारा चलाने के दौरान चार्ज हो जाएंगे और फीडर मार्गों पर बैटरी पर काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ बसों को ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम लेवल बोर्डिंग आरामदायक सीटें पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ वातानुकूलित किया जाएगा। स्टेशनों में यात्री सूचना प्रदर्शन के साथ सीढ़ी लिफ्ट और एस्केलेटर होंगे। यात्रियों द्वारा सड़क पार करने से बचने के लिए सड़क के दोनों ओर स्टेशन प्रवेश और निकास प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक निवेश बोर्ड PIB ने अपने मूल्यांकन के बाद नासिक मेट्रो नियो प्रोजेक्ट की आज भारत सरकार द्वारा मंजूरी के लिए केंद्रीय बजट में घोषणा की है। परियोजना में 33 किलोमीटर के नेटवर्क के साथ दो गलियारे हैं और चार वर्षों में 2092 करोड़ के निवेश के साथ 30 स्टेशन हैं।